इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ओनली एनसीईआरटी, उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी किया, उसको अच्छे से रीड आउट किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और सेकंड, मेक शॉर्ट नोट्स एंड प्लेस इट ऑन द होल रूम, उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारी एनसीईआरटी को रीड आउट किया, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा और उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन थी उसमें खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए और अपनी दीवारों पर चिपकाए। कई बच्चे बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सर केमिकल रिएक्शन याद ही नहीं होती है, पता नहीं क्या है सर, मेरे को सांस ही नहीं आती है, ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं बच्चे, सर क्या करूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आती है। समझ में आ गया? तो बहाने तो कितने भी बना लो, लेकिन उसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, एक एक, अरे एक बार किसी केमिकल रिएक्शन को देख लो तो तुम शक्तिमान तो हो नहीं। क्या तुम नीली पैंट पे लाल चड्डी पहने हुए शक्तिमान हो क्या, जो पहली बार में सीख जाओगे? मैं तो नहीं हूं, मैं एवरेज बंदा हूं। समझ में आ गया? इसी तरह से एवरेज भी एवरेज से थोड़े ऊपर हो गए, या मान लो टैलेंटेड हो तब भी एक बार में समझ में नहीं आती तो भैया दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार तो पुरानी हो जाएगी, याद हो जाएगी, फिर उसका लॉजिक समझने की कोशिश करो कि केमिकल रिएक्शन में वो कह क्या रहा है, इतने में तो केमिकल रिएक्शन याद हो जाती है। सो इन दैट केस अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप एनसीईआरटी को रीड करके उस केमिकल रिएक्शन के अपने नोट्स बनाओ, छोटी छोटी चिट्स बनाओ और उसके बाद बोल अपनी दीवार पर, जो आपकी जो स्टडी रूम की दीवार है उसके ऊपर लगाओ, लगा रहेगा तो आपको बार बार दिखता रहेगा, दिखता रहेगा तो आपको याद होता रहेगा। समझ में आया? तो ये थी वॉल, जरा आप चेक करो, लुक एट इट, इस तरह से अपनी वॉल पे उन्होंने सारे के सारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस थी सब कुछ, मतलब ये उसकी वॉल नहीं है, आप ये मत समझना कि हम लोग आकांक्षा के घर गए थे और वहाँ के सारे फोटोज वगैरह लेके आ गए, बट ओवरऑल ये तरीका है उसको लगाने का। कल को हम लोग, ओ ये ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद सर गए थे आकांक्षा सिंह के घर, ऐसा कुछ नहीं था। बेसिकली ये इस तरह से आप लोग प्लेस कर सकते हो, और बेसिकली अगर आपको बार बार कोई चीज दिखती रहेगी तो वो याद तो होगी ना, आपको आपके पापा और आपकी मम्मी की शक्लें घर पे बार बार दिखती तो आपको याद है कि आपके पापा और आपकी मम्मी है। समझ में आ गया? ऐसा ही सीन है। तो ऐसे ही अगर आप इनको बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएगा कि ये है और वो है। आया समझ में? तो आप लोग ध्यान रखिए।